प्यारे दोस्तों, जैसे किसी MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप रील लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी के एक बूस्ट दे सकते हैं। आज हम लोग टिशू पढ़ रहे थे, हिस्टोलॉजी में टिशू पढ़ रहे थे। टिशू में उनके टाइप्स की चर्चा हुई थी, टिशू कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा हुई, एपिथेलियल टिशू, कनेक्टिव टिशू, मस्कुलर टिशू, नर्वस टिशू, टिशू मतलब उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये चार प्रकार के ऊतक होते हैं। बेस क्या था इनका, इनका बेस, इन चार ऊतकों को बांटने का बेस क्या था, उनका लोकेशन और फंक्शन। इन ऊतकों का लोकेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके आधार पर चार ग्रुप में बांटे गए थे टिश्यू को। आज उसी के क्रम में हम लोग देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू की चर्चा करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू की चर्चा करते हैं। उपकला ऊतक जो होता है, शरीर पर त्वचा की बाहरी परत अंतरांगों की रक्षा करता है, अंतरांगों की शरीर पर वह बाहरी परत या अंतरांगों की रक्षा करता है, उसके नालों की बाहर मतलब जो देखिए आंतरिक अंग होते हैं उनमें जो नलियां होती है, जो ट्यूब होती है उनके बाहर और भीतर स्थित होती है। नलियां जो होती हैं भीतर और बाहर स्थित होती हैं, जो हमारे शरीर में रुधिर नलियाँ होती हैं, जो नली के रूप में होती है वहाँ पर बाहर और अंदर स्थित होती है। अंतरांग जो शरीर के अंग हैं उनमें पाई जाती है कि भीतर स्थित, इसकी उत्पत्ति जो होती है भ्रूण। देखिए तो हम लोगों ने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाई जाती है। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है उपकला ऊतक जो होती है शरीर की त्वचा की बाहरी परत पाई जाती है। अंतरांग हमारे शरीर के अंगों के अंदर उनके तल बनाती, बाहरी तल बनाता है। अंतरांग जो होते हैं उनके बाहर के तल बनाता है। जो हमारे शरीर में ट्यूब पाई जाती, नलियाँ पाई जाती, नली पाई जाती, उनमें भी अंदर और बाहर दोनों पाई जाती है। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के पोजिशन होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम कहें कि एपिथेलियम टर्म को देने वाले, शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, तो एपिथेलियम टर्म को देने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक रूयस। फ्रेडरिक रूयस वैज्ञानिक थे, उन्होंने एपिथेलियम शब्द को दिया था। एपिथेलियम शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, फ्रेडरिक रूयस ने 1703 ईस्वी में एपिथेलियम शब्द को दिया था। एपिथेलियम शब्द को देने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक रूयस। एपिथेलियम जो है टिश्यू जो होता है, एपिथेलियम वाज द फर्स्ट टिश्यू इन्वॉल्व इन एनिमल। एनिमल में जो सबसे पहले विकसित हुआ कौन सा टिश्यू हुआ, एपिथेलियम। सबसे पहले विकसित होने वाले टिश्यू में कौन था, एपिथेलियम टिश्यू जो है सबसे पहले विकसित हुआ, सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू विकसित हुए। दिस इज एन ए वैस्कुलर टिशू, इनमें ए वैस्कुलर टिशू पाया जाता है। ए वैस्कुलर मतलब होता है एब्सेंट होता है वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम मतलब होता है इसमें रुधिर वाहिनियाँ, आप कह सकते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू में रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, बट रिसीव न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करती है फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से जो है ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है किस लेयर से, कनेक्टिव टिश्यू से। इसमें रुधिर वाहिकाएँ, इधर वाहिकाएँ जो होती हैं अनुपस्थित होती हैं। ए वैस्कुलर होता है, आप कह सकते हैं एपिथेलियम टिश्यू कैसे होते हैं, ए वैस्कुलर होते हैं। ये अपने न्यूट्रिएंट्स को किसके द्वारा लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंडरलाइंग के द्वारा, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये अपने न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है बॉडी को कवर करता है, कवर द बॉडी सरफेस बोथ एक्सटर्नली रूप से और इंटरनली रूप से। यह इंटरनली जो अंग होते हैं उनको भी कवर करता है और एक्सटर्नली भी यह बॉडी को कवर करता है। हेंस आल्सो नोन कवरिंग टिश्यू, इसलिए इसे कवरिंग टिश्यू भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, एपिथेलियम टिश्यू को कवरिंग टिश्यू भी कहा जाता है। यह अंगों इंटरनल ऑर्गेंस बाहर से भी, बाहर भी एपिथेलियम जो है टिश्यू पाए जाते हैं। इसको एपिथेलियम टिश्यू को जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कवरिंग टिश्यू भी वो कहा जाता है। इट्स लाइन द बॉडी कैविटीज एंड फ्रॉम द ग्लैंड्स, इट्स लाइन द बॉडी कैविटीज एंड फ्रॉम द ग्लैंड्स। देखिए इनकी बॉडी कैविटी में जो एपिथेलियम लाइनिंग होती है वह क्या बनाते हैं, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन। जितनी बॉडी कैविटी में होते हैं ग्लैंड्स बनाते हैं, जो भी बॉडी कैविटी बनती है वो क्या, ग्लैंड का, ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर बनती है। दिस इज ए वनली टिश्यू ऑफ वेरिएबल ओरिजिन, इन टिश्यू में वेरिएबल ओरिजिन ओरिजिन होती है। अराइज फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर, मतलब इनमें अनेक प्रकार से वेरिएबल आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर पाई जाती है। अराइज फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर, आप जानते हैं कि एपिथेलियम लेयर जो होती है वह तीनों जर्म लेयर से बनी हुई होती है, थ्री, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म।
थ्री जर्म लेयर, तीनों जर्म लेयर से बनी होती है। आपसे पूछा जाए कि पीथिलियम कौन से जर्म लेयर से बनी है, एक्टोडर्म की, मेजोडर्म की, इंडोडर्म की, सभी जर्म लेयर से ये बनी होती हैं। अगर कोई एक ऑप्शन में है तो उसको आप लगा सकते हैं। स्किन एपिडर्मिस फ्रॉम स्किन एपिडर्मिस, जो ऊपर की एपिडर्मिस बनी होती है एक्टोडर्म से होती है। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों की स्किन की ऊपरी परत होती है वह किसकी बनी होती है, एक्टोडर्म से होती है। सीलोमिक एपिथीलियम फ्रॉम मेजोडर्म, सीलोमिक जो हमारा सीलोम इंटरनल संरचना में सीलोम पाया जाता है उसकी एपिथीलियम जो होती है मेजोडर्म से बनी होती है। गट एपिथीलियम जो हमारी नली होती है, नलियों की एपिथीलियम जो होती है एंडोडर्म से, जो हमारी नली जैसे कैपिलरी नली होती है और इन सब नलियों में जो एपिथीलियम पाई जाएगी वह एंडोडर्म की उत्पन्न होगी। जैसे इंटेस्टाइन है, इन सब में जो भी संरचना पाई जाएगी वो क्या है, तो उनमें जो लेयर पाई जाएगी वह कैसी किस प्रकार की होगी, वह एंडोडर्म की होती है। वह कैसे किसके बने, एंडोडर्म से उत्पन्न होती है। तो आप कह सकते हैं गट एपिथीलियम एंडोडर्म, सीलोमिक एपिथीलियम मेजोडर्म, स्किन एपिथीलियम एक्टोडर्म से बनी होती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि एपिथीलियम लेयर जो बनी होती हैं ये तीनों जर्म लेयर से बनी होती हैं। सेल्स डैट फ्रॉम द एपिथीलियम हैव फॉलोइंग फीचर, सेल्स डैट फ्रॉम द एपिथीलियम हैव फॉलोइंग फीचर। सेल डैट फ्रॉम एन एपिथीलियम, वे सेल्स जो एपिथीलियम को बनाती हैं हैव फॉलोइंग फीचर, उनके कुछ फीचर्स होते हैं। इनकी सेल्स जो होती हैं कम्पैक्टली अरेंज होती हैं, बहुत पास पास होती हैं। डेस्मोसोम्स, इसमें क्या पाया जाता है, तो जो दो सेलें होती हैं वह किसके द्वारा दूर जुड़ी होती है, डेस्मोसोम के द्वारा। डेस्मोसोम का जंक्शन बनता है, जोड़ दो सेल को जोड़ने का काम डेस्मोसोम के द्वारा होता है। हैंस दे आर ऑलमोस्ट नो आर लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस दे आर ऑलमोस्ट नो आर लिटिल, बहुत कम मात्रा में इंटरसेलुलर स्पेस में जो है क्या पाया जाती हैं, डेस्मोसोम सेल जंक्शन पर। लिटिल मात्रा में इंटरसेलुलर, दो सेल कोशिकाओं के बीच, दो कोशिकाओं के बीच डेस्मोसोम की मात्रा बहुत कम होती है। द सेल जंक्शन आर थ्री टाइप्स, सेल जंक्शन जो होते हैं थ्री प्रकार से होता है। थ्री टाइप्स के सेल जंक्शन पाया जाता है। एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने के लिए डेस्मोसोम पाया जाता है और इसमें थ्री टाइप्स का जंक्शन भी पाया जाता है, जैसे टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। मतलब ये जो सेल को जोड़ने का काम करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। टाइट जंक्शन क्या करता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, टिश्यू से बाहर सब्सटेंस को बाहर जाने के लिए क्या करता है, रोकता है लीकिंग को, क्या करता है तो लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, सब्सटेंस को बाहर जाने से क्या करता है, टाइट जंक्शन रोकता है। एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, हेल्प टू कीप एडजेसेंट सेल टुगेदर, एडहेरिंग जंक्शन जो होता है एक सेल से दूसरे सेल को क्या एडजस्ट करता है, सेल एक दूसरे को जोड़ने का काम के साथ एडजस्ट भी करता है। गैप जंक्शन क्या काम करता है, फैसिलिटी टू सेल कम्युनिकेट का काम करता है विथ ईच अदर, एक दूसरे से, कनेक्टिंग विथ साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है। साइटोप्लाज्म कनेक्ट होने से क्या होता है, गैप जंक्शन के द्वारा ही जो साइटोप्लाज्म के मटेरियल जिसको जो ज़रूरत होती है एक दूसरे पर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, कम्युनिकेट होते रहते हैं, इस प्रकार के गैप जंक्शन कार्य करता है। ठीक है, दीज गैप जंक्शन सभी दीज सेल जंक्शन ये तीनों जैसे सेल जंक्शन है आर मोर फ्रिक्वेंटली इंसिलिएटेड एपिथीलियम, इनमें सीलिएटेड एपिथीलियम जितने जंक्शन है उनमें सीलिएटेड एपिथीलियम पाया जाता है, उन्हीं के द्वारा क्या जुड़े होते हैं, सेल क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस सेल इज प्रोवाइड विथ थ्री सरफेस, फ्री सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस और बेसल सरफेस, थ्री सरफेस एरिया पाया जाता है इनमें, सेल में कितने थ्री सरफेस एरिया पाया जाता है। द बेसल सरफेस एपिथीलियम रेस्ट अपॉन ए कॉमन नॉन सेलुलर बेसल सरफेस एरिया क्या करता है, एपिथीलियम रेस्ट अपॉन ए कॉमन नॉन सेलुलर, यहाँ पे नॉन सेलुलर होता है या बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, बेसल सरफेस जो होता है एपिथीलियम का रेस्ट अपान एक कॉमन नॉन सेलुलर, जहाँ पे सेल उसके बाद नहीं पाए जाते वहाँ पे रेस्ट करता है, तो इसे क्या बेसल सरफेस एरिया कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। सिक्रेटेड बाय अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, सिक्रेट करता है बाय अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, इन बेसमेंट मेम्ब्रेन का सिक्रीशन जो होता है अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा होता है एंड एपिथीलियल सेल और एपिथीलियल सेल के द्वारा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का सिक्रीशन। तो अब इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथीलियम का क्लासिफिकेशन देखते हैं या फिर इसके कुछ कार्य हम लोग देखते हैं।
जो फंक्शन आप इपिथिलियम टिश्यू, इनके इपिथिलियम टिश्यू के हम कुछ कार्य देख लेते हैं ना, फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बाद इसके प्रकार की बात करेंगे। तो इपिथिलियम के मुख्यतः कार्य क्या है, यह देखिए इसके मुख्य कार्य नीचे के ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करता है, नीचे के ऊतकों की सुरक्षा प्रदान करता है, वाह तल को सूखने से बचाता है, बाहर के तल को सूखने से बचाता है, यह चयनात्मक अवरोध सेलेक्टिव बैरियर की तरह कार्य करता है। इपिथिलियम मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, या आहार नाल में अवशोषण को में सहायता करता है। आहार नाल में एपिथिलियम जो पाई जाती है वह अवशोषण में सहायता करता है, या श्रावण में भी सहायक है, या श्रावण में भी सहायक है, या वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषण तथा उत्सर्जन में सहायक है, या वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषण तथा उत्सर्जन में भी सहायक होता है। अब हम देखते हैं इनके प्रकार, तो क्लासिफिकेशन आप एपिथिलियम की बात करें तो एपिथिलियम कितने प्रकार के पाए जाते हैं, एपिथिलियम कितने प्रकार की होती है, तो क्लासिफिकेशन का जो आधार है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का जो आधार है सेल लेयर के आधार पर हम देखें तो कोश इपिथिलियम को तीन भाग हम कह सकते हैं, सिंपल इपिथिलियम, स्ट्रेटिफाइड इपिथिलियम जिसे कंपाउंड इपिथिलियम भी कहा जाते हैं, मल्टी लेयर्ड, सिंपल सिंगल लेयर, मल्टी लेयर, और एक आता है विशिष्ट उपकला, एक विशिष्ट जो होता है स्पेशल इपिथिलियम टिश्यू होती है, एक स्पेशल इपिथिलियम टिश्यू होती है, एक होती है सिंगल लेयर में होती है, एक मल्टी लेयर में होती है, एक विशिष्ट प्रकार की इपिथिलियम टिश्यू पाई जाती है। ठीक है, टिश्यू जो है तीन प्रकार की पाई जाती है, सिंपल सिंगल लेयर में होती है जो सिंगल लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड मल्टी लेयर में सेल इपिथिलियम पाई जाती है उसे स्ट्रेटिफाइड इपिथिलियम कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड जो होता है अस्तरित अस्तर में अनेक अस्तरों में पाया, स्ट्रेटिफाइड मतलब अस्तरों में अनेक अस्तरों में पाया जाए, और स्पेशल इपिथिलियम टिश्यू विशिष्ट, तीसरा जो होता है विशिष्ट प्रकार की उपकला पाई जाती है। तो तीन प्रकार की उपकला पाई जाती है। आपसे कह दें इन तीनों प्रकार की उपकलाओं में कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं, कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं, जैसे किसी किसी में सल्की ज़्यादा पाई जाती हैं, किसी में मतलब सल्की मतलब स्क्वेमस प्रकार की पाई जाती है, किसी में क्यूबाइडल पाई जाती है, किसी में कोल्यूमिनर पाई जाती है स्तंभाकार, क्यूबाइडल मतलब घनाकार, कोल्यूमिनर मतलब स्तंभाकार, क्यूबाइडल मीन घनाकार, और स्क्वेमस मीन सल्की, क्यूबाइडल मीन घनाकार और कोल्यूमिनर मीन स्तंभाकार, इस प्रकार की सेल इनमें पाई जाती है। ठीक है, इन्हीं सेल के आधार पर इन सरल ऊतक, अस्तरित उपकला ऊतक, विशिष्ट उपकला ऊतक को अनेक भागों में बांटा गया है। तो सरल उपकला ऊतक मतलब सरल में सिंपल इपिथिलियम टिश्यू, दूसरा है अस्तरित उपकला ऊतक स्ट्रेटिफाइड इपिथिलियम टिश्यू, और विशिष्ट उपकला ऊतक स्पेशल सेलुलर टिश्यू, ये तीन प्रकार के ऊतक में डिवाइड किए गए हैं। इनमें तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, स्क्वेमस, क्यूबाइडल और क्यूलुमिनर। इनके आधार पर इन्हें प्रत्येक तीनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सरल सल्की उपकला, सरल सल्की सिंपल स्क्वेमस इपिथिलियम, सिंपल क्यूबाइडल इपिथिलियम, सिंपल कोलुमनर इपिथिलियम, मतलब इन सेल के आधार पर इनको तीन भाग बांटा गया, सिंपल उपकला ऊतक को तीन भाग बांटा गया, अस्तरित इसी प्रकार से अस्तरित स्ट्रेटिफाइड को भी तीन भागों में बांटा गया, अस्तरित सल्की उपकला मतलब जो आपका स्ट्रेटिफाइड जो पाई जा रही इपिथिलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू उपकला इपिथिलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल घनाकार जिसे कहते हैं उपकला, अस्तरित अस्तंभी उपकला, अस्तंभी मतलब क्या होता है, अस्तरित अस्तंभी कोलुमनर अस्तंभी उपकला, मतलब ये तीनों में केवल इन कोशिकाओं के आकार पर तीन प्रकार कोशिकाएं पाई जाती है, और सिंपल अस्तरित तीन प्रकार की हो जाती हैं। ठीक है, छह प्रकार की हो गई, मतलब सरल सिंपल इपिथिलियम ऊतक तीन प्रकार की, सल्की घनाकार अस्तंभी हो गई, और इसी प्रकार से अस्तरित उपकला ऊतक जो होती है जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होती है, स्ट्रेटिफाइड उपकला ऊतक होती है, इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया, सल्की अस्तरित घनाकार अस्तरित अस्तंभी उपकला, तीन भागों में इनको बांट दिया गया, तीन छः हो गया, मतलब सरल को तीन, सिंपल उपकला ऊतक को तीन भागों में, स्ट्रेटिफाइड उपकला को तीन भागों में, और विशिष्ट उपकला ऊतक को, विशिष्ट उपकला में क्या होता है, इनकी विशिष्ट स्ट्रक्चर बनती है, जैसे कूट अस्तरित उपकला, सीडो स्ट्रेटिफाइड इपिथिलियम मतलब कूट अस्तरित उपकला, अंतर्वर्ती ट्रांजिशनल इपिथिलियम, विशिष्ट प्रकार की उपकला है, ध्यान दीजिए इनका कुछ विशिष्ट स्ट्रक्चर होता है,
तंत्रिका संवेदी उपकला, तंत्रिका संवेदी जो होते हैं सेंसरी इपिथिलियम जिसे हम कहते हैं, रंगा पिगमेंट इपिथिलियम जिसे हम कहते हैं, ग्रंथिल उपकला जिसे ग्रैंडुलर इपिथिलियम कहते हैं। तो इस प्रकार से इनमें पांच प्रकार के होते हैं। विशिष्ट उपकला पांच है, स्यूडो इपिथिलियम, अंतर्वर्ती ट्रांजिशनल संवेदी सेंसरी इपिथिलियम, और रंगा पिगमेंट इपिथिलियम, और ग्रंथिल उपकला ग्रैंडुलर इपिथिलियम। ये विशिष्ट प्रकार की उत्तक है, इपिथिलियम उत्तक है। ध्यान दीजिए, इपिथिलियम उत्तक को तीन भागों में बांटा गया, सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्तरित जिसे अनेक स्तर में पाया जाता है, सिंपल एक स्तर में, सिंपल उपकला स्तर एक स्तर में पाया जाता है, अस्तरित उपकला अनेक स्तरों में पाया जाता है, विशिष्ट उपकला उत्तक, इनकी स्ट्रक्चर ही भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तक जो इपिथिलियम उत्तक है, टिश्यू है, उसको तीन भागों में बांटा गया। तो अब सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, सिंपल उपकला उत्तक क्या है, और उनके तीन प्रकार जो दिया गया, सिंपल स्क्वेमस इपिथिलियम, सिंपल क्यूबाइडल इपिथिलियम, सिंपल कोलुमिनर इपिथिलियम की चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम सरल उपकला उत्तक की बात करते हैं। सरल सिंपल इपिथिलियम टिश्यू है क्या चीज़? सिंपल इपिथिलियम टिश्यू किसे कहते हैं? या कोशिका की एक मोटी परत होती है, और प्रत्येक को एक मतलब एक सिंगल लेयर की होती है। ध्यान दीजिए, सिंपल उत्तक सिंगल इपिथिलियम टिश्यू जो होती है, या कोशिका की एक मोटी परत नहीं, एक सिंगल लेयर की होती है, प्रत्येक कोशिका आधार कलाप पर स्थित होती है। आधार कला जहाँ कोशिका होती है उसके आधार पोर्शन पर स्थित होती है, श्रावण और अवशोषण करने का काम करती है। श्रावण और अवशोषण करने का सिंपल इपिथिलियम टिश्यू काम करती है। कोशिकाओं की आकृति हमने बताया कि तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, सल्की घनाकार स्तंभी होती हैं। तो कोशिकाओं की आकृति संरचना और कार्य के आधार पर इन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया है। सरल सल्की उपकला सिंपल स्क्वेमस इपिथिलियम, सिंपल स्क्वेमस इपिथिलियम, सरल सल्की उपकला। इनकी कोशिकाएं चपटी बहुमुखी होती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी हैं? चपटी होती हैं, बहुमुखी होती हैं, सल्की होती हैं। फ्लैटेंड पॉलीगोनल सेल विथ इनरेगुलर बाउंड्रीज एंड इनरेगुलर जो है इनकी बाउंड्रीज पाई जाती हैं। फिटेड टुगेदर लाइक ए टाइल्स, जैसे एक टाइल्स होता है, टाइल के जैसे लगे एक दूसरे बिछी होती हैं। फिटेड टुगेदर लाइक द टाइल्स इन ए फ्लोर, जैसे एक फ्लोर पर जो है टाइल्स बिछी होती है, उसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर बिछी होती है। हैंस इज आल्सो नोन एज ए पेवमेंट इपिथिलियम, इसलिए आल्सो नोन एज ए पेवमेंट इपिथिलियम, इन्हें पेवमेंट इपिथिलियम भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पेवमेंट इपिथिलियम भी कहा जाता है। टाइल्स के जैसे एक दूसरे फ्लैटेंड मतलब फिटेड टूगेदर, एक दूसरे से फिट रहती है, जैसे टाइल फिट किए जाते हैं, उसी प्रकार से एक दूसरे से क्या होती हैं? फिट होती है। तो इसे पेवमेंट इपिथिलियम भी कहा जाता है, पेवमेंट इपिथिलियम भी कहा जाता है। तो ये जो होता है पेवमेंट इपिथिलियम भी कहते हैं इसे। दीज आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? सभी ब्लड वेसल्स पे पाए जाती हैं। जो सिंपल स्क्वेमस इपिथिलियम होते हैं वे ब्लड वेसल्स पे पाए जाती हैं। एंड एयर स्पेस ऑफ लंग, जहाँ पे एयर स्पेस ऑफ लंग्स होते हैं वहाँ पाए जाती हैं। इन्वॉल्व द फॉर्मिंग ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री, जहाँ पे डिफ्यूजन बाउंड्री होती है वहाँ पे सभी स्थानों पे पाई जाती हैं। सम अदर एग्जांपल एज, जैसे कुछ अदर एग्जांपल हम देते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? तो इनके जो है जो इस प्रकार की इपिथिलियम कहाँ कहाँ पाई जाती है? बाउमेंस कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले, बाउमेन कैप्सूल में और लूप ऑफ हेनले में इस प्रकार की इपिथिलियम पाई जाती है। पेरिटोनियम बॉडी कैविटी में एक पाई जाती है इपिथिलियम। पेरिटोनियम बॉडी कैविटी मतलब जहाँ पे बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है, उसमें जो इपिथिलियम होती हैं उनमें भी ये पाई जाती है। जो बॉडी की कैविटी होती है वहाँ पे जो इपिथिलियम होती है उनमें भी ये पाई जाती है। इंडोथीलिया लाइनिंग ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड वेसल्स इंडोथीलिया मतलब लाइनिंग ऑफ वैस्कुलर सिस्टम जितने होते हैं, वैस्कुलर सिस्टम में जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, हार्ट होता है, इन सभी में ये इपिथिलियम पाया जाता है। सिंपल स्क्वेमस इपिथिलियम इन सभी में पाया जाता है। अब मेसोथीलिया, देखिए इंडोथीलिया किसे कहते हैं? लाइनिंग वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल एंड हार्ट को इंडोथीलिया भी कहते हैं। इंडोथीलिया में किस प्रकार के सिंपल स्क्वेमस इपिथिलियम पाया जाता है? पेरिटोनियम बॉडी कैविटी में पाया जाता है, बाउमन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, इन सब में जो होता है सिंपल स्क्वेमस इपिथिलियम पाया जाता है। मेसोथीलिया में क्या होता है? लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी,
लाइनिंग ऑफ मीजोथीरिया का मतलब होता है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के लाइनिंग पर एक एपिथीलियम पाया जाता है, सीलोम में एपिथीलियम पाया जाता है, ठीक है। तो यह बॉडी कैविटी या सीलोम की लाइनिंग, बॉडी कैविटी या सीलोम के लाइनिंग पर ये एपिथीलियम पाया जाती है जिसे मीजोथीलिया कहा जाता है। इंडोथीलिया, मीजोथीलिया, इंडोथीलिया में सभी वैस्कुलर सिस्टम आते हैं, वैस्कुलर सिस्टम आते हैं, और मीजोथीलिया में लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम, मीजोथीलिया में सीलोम या बॉडी कैविटी के लाइनिंग को बनाता है और वैस्कुलर बंडल की लाइनिंग को बनाता है जैसे वैस्कुलर वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और हार्ट। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम की चर्चा हो गई, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम की चर्चा अब हम लोग करेंगे। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम की हम लोग चर्चा करते हैं, या किस में पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है, इसके कार्य क्या है, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो सिंपल क्यूबॉइडल मतलब क्वेश्चन नहीं, अगला टाइप से, सेकंड टाइप से जो होता है, पहला था क्या था, सिंपल सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम मतलब सरल सल्की एपिथीलियम था। अब दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सरल घनाकार उपकला। तो इसमें क्या होता है, इट इज फॉर्म बाई क्यूब लाइक स्क्वायर, या कैसे बनता है, क्यूब लाइक घनाकार सेल से बनते हैं। देयर हाइली इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द विड्थ, इनकी चौड़ाई जो होती है सेम होती है, बराबर दोनों साइड में इक्वल, तो घनाकार होता है तो इक्वल होता है लगभग। दीज आर फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, या कहाँ पाया जाता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी नलियों में पाया जाता है। एंड ट्यूबुलर पार्ट, जहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे पीसीटी एंड डीसीटी। ट्यूबुलर पार्ट में क्या आता है, ट्यूबुलर पार्ट में जहाँ, जैसे पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी जो नेफ्रॉन में संरचनाएँ पाई जाती हैं, इसमें ये पाई जाती है नेफ्रॉन में पीसीटी और डीसीटी जो पाया जाता है नेफ्रॉन में, जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उनमें पाई जाती है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ये जो है एपिथीलियम क्या कार्य करती है, अवशोषण, उत्सर्जन, श्रावण, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, एक्रीशन, सिक्रीशन की, श्रावण, श्रावण में सिक्रीशन, सिक्रीशन में श्रावण, श्रावण की कार्य होता है, वहाँ पर एक उपकलाएँ पाई जाती हैं। अगले एक क्रिया होती है उत्तक ब्रिक नलिकाओं, जैसे ब्रिक की नलिकाओं जनरल गोनाइट्स, ब्रोंकियोल्स और श्वेत ग्रंथियों, स्वीट ग्लैंड में पाई जाती है। स्वीट ग्लैंड में भी ये घनाकार जो है, घनाकार उपकला उत्तक, क्यूबॉइडल उपकला उत्तक कहाँ पाई जाती है, गोनाइट्स में पाई जाती है, ब्रिक नलिकाओं में जैसे मैंने बताया पीसीटी डीसीटी नेफ्रॉन में पाई जाती है, डक्ट ऑफ ग्लैंड जो ग्रंथियाँ होती हैं उनकी उनकी नलियों में पाया जाता है, ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है। इस प्रकार की उपकला जो है घनाकार उपकला, यहाँ पे जहाँ पे अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है, श्रावण होता है, सिक्रीशन होता है, वहाँ पे उपकला उत्तक पाई जाती है। अब हम आते हैं तीसरे उपकला उत्तक की बात करते हैं, तीसरे सरल उत्तक की बात करते हैं। तीसरा सरल उत्तक क्या है, स्तंभाकार उपकला, सिंपल कोलुमनर एपिथीलियम, सिंपल कोलुमनर एपिथीलियम की चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं सिंपल कोलुमनर एपिथीलियम, सरल स्तंभाकार उपकला क्या, कैसे फॉर्म टाल पिलर लाइक सेल, ये पिलर लाइक सेल से, जैसे स्तंभ लाइक सेल से बनी होती हैं, सटी हुई बनी होती हैं लाइक सेल, तो पिलर लाइक सेल से बनते हैं। इनकी हाइट जो होता है ग्रेटर होती है चौड़ाई से, विड्थ से, विड्थ थे हाइट जो इनकी अधिक होती है। दीज आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये जो घनाकार उपकला उत्तक जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, जहाँ स्टमक पे पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे पाई जाती हैं। एंड इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, श्रावण और अवशोषण, श्रावण और अवशोषण का मेन फंक्शन होता है, श्रावण और अवशोषण जहाँ होगा वहाँ इनकी सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ उनकी लेयर पाई जाती है, एपिथीलियम की लेयर पाई जाती है। तो लाइनिंग स्टमक और इंटेस्टाइन पे पाए जाते हैं, ये एपिथीलियम कहाँ पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के लाइनिंग पर और इंटेस्टाइन के लाइनिंग पे पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, श्रावण और अवशोषण इनका कार्य होता है। तो सरल कोलुमनर एपिथीलियम जो होती हैं, सरल स्तंभाकार एपिथीलियम जो होती हैं, सिंपल कोलुमनर सिलिएटेड एपिथीलियम, देखिए ये तो होती है जिसमें सिलिया नहीं पाई जाती है, जैसे जैसे आँत में जो पाई जाती हैं, जो इंटेस्टाइन में आमाशय में पाई जाती हैं, ये सिंपल क्यूबॉइडल क्यूलुमिनर एपिथीलियम स्तंभाकार उपकला होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी इन्हीं में सिंपल क्यूलुमिनर एपिथीलियम होती है जिसमें सिलिया पाए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सामान स्तंभी रोमाभि उपकला, सिंपल क्यूलुमिनर सिलिएटेड एपिथीलियम होती हैं जिसमें सिलिया पाए जाते हैं। अब इस प्रकार के स्तंभाकार जो होती हैं पिलर जैसी से कोशिकाओं में क्या पाए जाएंगे,
इनमें सीलिया पाए जाएंगे। तो कहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं? स्मॉल ब्रॉन्की में, छोटी श्वसनियों में, अंडवाहिनियों में, ओविडक्ट में, जहाँ ओविडक्ट होता है वहाँ पे ये इस प्रकार की पिथिलियम पाई जाती है। सरल स्तंभाकार जो है सीलिएटेड पिथिलियम कहाँ पाई जाती हैं, वही पर चर्चा हो रही है कि तो कुछ में सीलिया पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती हैं, तो हम लोग देख सकते हैं स्मॉल ब्रॉन्की में, छोटी श्वसनियों में, अंडवाहिनियों में, ओविडक्ट में, मूत्रवाहिनियों में, यूट्रस में, मूत्रवाहिनियों में, यूट्रस में, मस्तिष्क एवं सुषुम्ना, सुषुम्ना की तंत्रिका गुहा, तंत्रिका गुहा में गर्भाशय नाल, गर्भाशय नाल आदि की दीवार के भीतर ये अपना स्तर बनाती हैं। तो सीलिएटेड जो होता है क्यूबुलर एपिथेलियम पाई जाती हैं, जो हम उसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। और सरल इसमें सरल सिंपल क्यूबुलर एपिथेलियम में ही जब सीलिया आ जाता है तो उसकी सीलिएटेड कह देते हैं। तो कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती हैं, अब हम लोगों ने इसको देखा कि सीलिया से युक्त किसान कहाँ पाई जाती है, विदाउट सीलिया किस में पाई जाती हैं? विदाउट सीलिया को हम लोगों ने देखा अमाशय आंत में पाई जाती है, पित्ताशय वाहिनियों में पाई जाती है, बिना सीलिया का। और सीलिया युक्त किस में पाई जाती है? छोटी श्वसनियों में, स्मॉल ब्रॉन्की में, अंडवाहिनियों में, मूत्रवाहिनियों में, मस्तिष्क में और तंत्रिका गुहाओं में, गर्भाशय नाल में, इन स्थानों पर जो है सिंपल क्यूलुमनर स्तंभाकार जो है सीलिएटेड उपकला पाई जाती है। ठीक है, अब आता है हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये तो पहले का तीन प्रकार था। पहले का सरल उपकला उत्तक, सिंपल एपिथेलियम उत्तक के तीन प्रकार थे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल को क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सरल घनाकार उपकला, और तीसरा था सिंपल क्यूलुमनर एपिथेलियम, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। ये तीन उपकला उत्तक थे सरल उपकला उत्तक के थे। अब आता है स्तरित उपकला उत्तक, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के प्रकार हम देखेंगे। स्तरित उपकला उत्तक क्या है, मतलब अनेक स्तरों में पाया जाता है। स्तरित उपकला उत्तक में क्या होता है, इनमें अनेक स्तर होते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, स्तरित हमने अनेक स्तरों में उपकला उत्तक, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इस प्रकार की उपकला में कोशिकाएं एक से अधिक स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। कोशिकाओं का केवल सबसे भीतरी स्तर ही आधार कला पर स्थित होती है। नमी और चिकनाहट की कमी तथा घर्षण आदि के कारण इसके सबसे बाहरी स्तर पर कोशिकाओं की निरंतर छीजन होती रहती है। निरंतर यहाँ क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्तरित उपकला में क्या होता है, यहाँ की ऊपरी की जो स्तर होता है वह लगातार क्या होता है, ये गायब होती रहती हैं। आधार कला पर सतह स्तर कोशिकाएं निरंतर विभाजित होकर नए स्तर बनाती रहती हैं। यह स्तर उन सतहों पर पाया जाता है जहाँ पर किसी प्रकार का भौतिक, रासायनिक, तापी दबाव रहता है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। उस स्थान पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। ध्यान दीजिए कहाँ पर भौतिक, रासायनिक और तापी दबाव रहता है, उन स्तरों पर यह पाया जाता है। ये उपकला उत्तक तीन प्रकार की होती हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम इसकी स्ट्रेटिफाइड उपकला उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। स्तरित सल्की उपकला, इसके पास सिंपल जो होता है, सिंपल उपकला, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू तीन प्रकार की थी। स्ट्रेटिफाइड भी तीन प्रकार की है। स्तरित सल्की उपकला, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस उसमें भी था, स्क्वेमस इसमें भी है, स्ट्रेटिफाइड उसमें सिंपल। तो शरीर के अधिकांश संयुक्त उपकला इसी प्रकार की होती है। जो शरीर की अधिकांश संयुक्त उपकला होती है इसी प्रकार की होती है। इसमें सबसे बाहर के स्तर की कोशिकाएं चपटी और सल्की होती हैं। तथा भीतर के स्तर की कोशिकाएं स्तंभी कोलुमनर होती हैं या घनाकार या क्यूबॉइडल होती हैं। कोलुमनर व घनाकार होती है। बाहर की कोशिकाएं चपटी सल्की होती हैं, इसीलिए इन्हें स्तरित सल्की उपकला कहते हैं। इन स्तरों के मध्य कोशिकाएँ बहुतली पॉलीहेड्रल होती हैं। त्वचा के उपचर में कहाँ कहाँ पाई जाती है कोशिकाएँ? त्वचा के उपचर में, ग्रसिका में, आमाशय में, यौन में आदि की दीवारों पर स्तरित सल्की उपकला की बनी होती हैं। स्तरित अनेक स्तरों की बनी होती है। मालाशय में देखिए अनेक स्तर होगा, ग्रसिका में अनेक, उपचर में, उपचर अनेक स्तरों से बनता है, ग्रसिका भी अनेक स्तरों से बनता है। इसलिए स्तरित सल्की उपकला उत्तक जो है उपचर्म, ग्रसिका, मालाशय, यौनि आदि की दीवार पर पाया जाता है, सल्की उपकला की बनी होती है। कैसे बनी होती है? सल्की उपचर्म, त्वचा की उपचर्म ऊपरी परत जो त्वचा होती है, त्वचा की ऊपरी परत, ग्रसिका जहाँ पर ग्रसिका होती है, जो भोजन हम लेते हैं वहाँ पे एक प्रकार की स्तरित सल्की उपकला होती है, जहाँ पर सल्काएँ छोड़ती रहती हैं, सल्क की रूप में पाया जाती हैं। मालाशय में पाया जाता है, इस प्रकार की यौन में पाया जाता है, दीवार में स्तरित सल्की उपकला की बनी होती है। ये कैसी बनी होती है? स्तरित सल्की उपकला की बनी होती है। स्तरित सल्की उपकला, आप जैसे स्तरित सल्की उपकला जो होती है
सल्की उपकला भी जो है दो प्रकार की होती है। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने अस्थिरित उपकला उत्तक की स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में, अस्थिरित सल्की उपकला स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में भी दो प्रकार होती हैं। किसके आधार पर? क्रिएटिन के आधार पर। क्रिएटिन युक्त सल्की उपकला जिसमें क्रिएटिन पाई जाए, और क्रिएटिन विहीन सल्की उपकला जिसमें क्रिएटिन एब्सेंट हो। तो क्रिएटिन उस सल्की उपकला जो होती है इसमें क्रिएटिन जो इनकी कोशिकाओं में क्रिएटिन नामक अघुलनशील तंतु में प्रोटीन जमा हो जाता है, मतलब क्रिएटिन युक्त सल्की उपकला इनकी कोशिकाओं में क्रिएटिन नामक एक अघुलनशील तंतु में प्रोटीन पाया जाता है, तो जो जमा हो जाता है क्रिएटिन त्वचा से जल की हानि को रोकता है। फिर क्रिएटिन प्रोटीन जो क्रिएटिन सल्की युक्त उपकला होती है उसमें क्रिएटिन पाया जाएगा, जो एक प्रकार की प्रोटीन तंतुमय प्रोटीन है। क्रिएटिन क्या है? एक तंतुमय प्रोटीन है जो त्वचा से जल की हानि को रोकता है। आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्यारे दोस्तों कि कौन सी ऐसी जो क्रिएटिन युक्त सल्की उपकला में पाया जाता है उसमें क्या पदार्थ पाया जाता है जिससे जल की हानि को रोका जा सकता है? क्रिएटिन। क्रिएटिन त्वचा से जल की हानि को रोकता है। क्या? क्रिएटिन जो है त्वचा से जल की हानि को रोकता है। सतह पर पहुँचने तक प्रत्येक अस्थिरित की कोशिकाओं का केंद्र नष्ट हो जाता है। सतह पर पहुँचने तक प्रत्येक अस्थिर की कोशिकाओं का केंद्र क्या होता है? नष्ट हो जाता है, इमृत होकर मात्र क्रिएटिन के सल्क बन जाते हैं। सर, तो जो केंद्रक होता है नष्ट होकर क्रिएटिन की सल्क बन जाते हैं, जिससे देखिए हमारी ही स्किन है, सबसे बाहर स्तर पे जो लेयर होगी वह क्रिएटिन युक्त सल्की उपकला होती है। अब इसमें क्या होता है? केंद्रक नष्ट हो जाएगा, वो क्रिएटिन में चेंज हो जाएगा, और पानी को बाहर से नहीं वाष्पोत्सर्जित होने देगा। तो क्रिएटिन युक्त सल्की उपकला हो गई जो हमारे उपचर्म त्वचा के उपचर्म पर पाई जाती है, क्रिएटिन युक्त सल्की उपकला। ठीक है, तो इसमें क्रिएटिन क्या है? जो केंद्रक होता है सेल के अंदर वो क्रिएटिन में चेंज होता जाता है, नष्ट होने के बाद क्रिएटिन में चेंज हो जाता है, इसी को क्रिएटिन युक्त कहा जाता है। और क्रिएटिन विहीन सल्की उपकला क्या है? इस प्रकार की उपकला की कोशिकाएं चपटी व सल्की होती हैं, चपटी व सल्की, परंतु इनमें क्रिएटिन का जमाव नहीं होता है। यह नेत्र की कार्निया बनाता है। नेत्र की क्या बनाता है? कार्निया बनाता है। नेत्र की कार्निया भी क्या है? एपिडर्मिस। कैसी स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस टिश्यू होती है, लेकिन इनमें क्रिएटिन का जमाव नहीं होता। नेत्र की कार्निया, मुख गुहा, हमारे मुख की गुहा में भी इस प्रकार की क्रिएटिन विहीन सल्की उपकला पाई जाती है। और ग्रसनी, ग्रसिका तथा यौन वेजिना में पाया जाता है क्रिएटिन विहीन सल्की उपकला पाई जाती है। क्रिएटिन का जमाव यहाँ नहीं होता है, यहाँ क्योंकि नमी बनाए रखना है, यहाँ हर समय नमी बनाए रहेगा, सूखा तो करना नहीं है। तो जैसे कार्निया में भी नमी बनाए रखना है, तो नमी बनाए रखने के लिए क्या होगा, यहाँ कोई नमी का आदान प्रदान होता रहे। मुख गुहा में इसी कंडीशन होती है, ग्रसनी भी होती है, ग्रसिका होती है, यौन होती है, इन सब में जो है कंडीशन पाई जाती है। क्रिएटिन विहीन सल्की उपकला ये इन सब में पाई जाती है। और अस्थिरित घनाकार, अब तीसरा स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, दो जो आप अस्थिरित उपकला उत्तक में पहला था क्या था? सल्की उपकला था। पहला अस्थिरित सल्की उपकला था, दूसरा अस्थिरित घनाकार उपकला है, तीसरा है अस्थिरित स्तंभी। ठीक है, तो स्क्वेमस, क्यूबाइडल और कोलुमनर, ये तीनों जो है उपकला अस्थिरित में भी पाई जाती हैं और सिंपल में भी पाई जाती हैं। स्ट्रेटिफाइड में तीन पाई जाती हैं और सिंपल में भी तीनों प्रकार की होती हैं। तो मतलब सल्की, घनाकार और असंभी। सल्की का हम लोग देख लिए, सल्की में दो प्रकार की होती हैं, क्रिएटिन युक्त सल्की उपकला और क्रिएटिन विहीन होती हैं। क्रिएटिन युक्त जैसे हमारी उपचर्म की बाहरी लेयर होती है उसमें क्रिएटिन युक्त होता है, उसमें क्रिएटिन जमा हो जाती है। जब हमारी सेल नष्ट हो जाते हैं, ऊपर की सेल उसमें केंद्र नष्ट हो जाता है, तो क्रिएटिन में चेंज हो जाता है। और क्रिएटिन विहीन सल्की उपकला जहाँ पे क्रिएटिन का जमा हो, जैसे हमारी कार्निया में अगर क्रिएटिन का जमा हो जाए, केंद्र नष्ट हो जाए, सेल का केंद्र वहाँ नष्ट नहीं होता है। मुगुहा के सेल का केंद्रक नष्ट नहीं होता है, ग्रसनी के सेल का केंद्रक नष्ट नहीं होता है, ग्रसिका का नहीं होता है, यौन का नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे नमी बनाए रखना है, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिन विहीन सेल की उपकला होती हैं, क्रिएटिन विहीन उपकला होती हैं। अब अगले को दूसरे प्रकार की हम लोग बात करते हैं, अस्थिरित घनाकार उपकला स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो अस्थिरित घनाकार स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, इसमें सबसे बाहर की स्तर की कोशिकाएँ घनाकार होती हैं। यह स्तर श्वेत ग्रंथियां, अस्तन ग्रंथियों में बड़ी नलिकाओं में पाया जाता है, जैसे श्वेत ग्रंथियों में अस्तन ग्रंथियों की बड़ी नलिकाओं में पाया जाता है। अस्थिरित घनाकार एपिथेलियम जो होती हैं, यह श्वेत ग्रंथियों और अस्तन ग्रंथियों की बड़ी नलिकाओं में पाई जाती है। अस्थिरित घनाकार उपकला जो होती है, यह श्वेत ग्रंथियों जो पसीने की ग्रंथ होती है और अस्तन ग्रंथियों की बड़ी नलिकाओं में पाई जाती है। और अब आता है तीसरा, अस्थिरित स्तंभी
स्ट्रेटिफाइड क्यूलोमिनर एपिथेलियम, इसमें सबसे बाहर की अस्तर की कोशिकाएं अस्तंभी होती हैं, अस्तंभी मतलब स्ट्रेटिफाइड क्यूलोमिनर एपिथेलियम, इसमें सबसे बाहर की अस्तर की कोशिकाएं जो होती हैं अस्तंभी, क्यूलोमिनर होती हैं, अस्तंभी होती हैं, ठीक है, अस्तंभी होती हैं। अस्तंभी मतलब क्या होता है, तो ये अस्तरित अस्तंभी उपकला जो होती हैं, अस्तरित अस्तंभी उपकला स्ट्रेटिफाइड क्यूलोमिनर एपिथेलियम जो होती है, सबसे बाहरी अस्तर की कोशिकाएं इसमें पिलर की जैसी होती है, कोलोमिनर की जैसी होती हैं, अस्तंभ की जैसी होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, स्वर कोष्ठ में, लैरिंग्स पाई जाती हैं, पैरोटिड ग्रंथियों में पाई जाती हैं, स्वर कोष्ठ पैरोटिड ग्रंथियों में पाई जाती हैं, अस्तन ग्रंथियों की वाहिनियों में पाई जाती हैं। अस्तरित अस्तंभी उपकला ये कहाँ पाई जाती है, अस्तन ग्रंथियों की वाहिनियों में पाई जाती हैं, पैरोटिड ग्रंथियों में पाई जाती हैं, लैरिंग्स पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सरल उपकला के तीन भाग थे, तीन प्रकार थे, सरल सल्की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलोमिनर एपिथेलियम, अस्तंभाकार उपकला। इसी प्रकार से अस्तरित उपकला में भी हम लोगों ने देखा, अस्तरित उपकला में भी क्या है, तीन प्रकार की थी अस्तरित सल्की उपकला, जैसे सिंपल में था सल्की था, घनाकार था, क्यूबॉइडल था और अस्तंभी क्यूलोमिनर था। उसी प्रकार से इसमें भी तीन है, लेकिन अस्तरित सल्की उपकला में दो प्रकार, क्रिएटिन युक्त सल्की उपकला और क्रिएटिन विहीन सल्की उपकला थी, ठीक है। इस प्रकार से अस्तरित घनाकार उपकला, अस्तरित अस्तंभी उपकला की चर्चा हुई। अब एपिथेलियल की तीसरी लेयर की बात करते हैं, तीसरी लेयर कौन सी थी, पहली लेयर थी सिंपल सरल उपकला ऊतक, दूसरा था अस्तरित उपकला ऊतक, तीसरा है विशिष्ट उपकला ऊतक। तो पहले उपकला ऊतक की सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, तीसरा है स्पेशल एपिथेलियम टिश्यू। कुछ स्पेशल टाइप के एपिथेलियम पाए जाते हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के एपिथेलियम में सबसे पहला है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड है, अस्तरित है, मतलब अस्तर के रूप में होती है, लेकिन स्यूडो फाल्स के रूप में होती है, फाल्स रहती है, आपको अस्तर के रूप में दिखाई देगी, परत अस्तर के रूप में दिखाई देगी, लेकिन वह स्यूडो रहेगी, मतलब फाल्स स्ट्रेटिफाइड रहेगी। देखिए कूट रहित उपकला जो होते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जबकि स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है अस्तर में उपकला, मतलब उपकला पाई जाए। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो दूसरी लेयर है, स्ट्रेटिफाइड मतलब अस्तरित उपकला ऊतक की बात होती है, लेकिन यहाँ कूट स्यूडो की बात आ रही है। तो स्यूडो मतलब एक परत दिखाई देती है, एक परत क्यों होती है, इसकी लेयर जो होती है एक परत की होती है, इसके आधार भाग पर, आधार कला पर एक लंबी छोटी छोटी आधार कोशिकाएं पाई जाती हैं, आधार कोशिकाएं छोटी छोटी देखिए, इसी के एक कला के लेयर पर छोटी छोटी आधार कला पर क्या होती है, छोटी छोटी आधार कोशिकाओं का एक अतिरिक्त स्तर होता है, और छोटी छोटी आधार कोशिकाओं का एक अतिरिक्त स्तर होता है, जिसके कारण यह द्विस्तरीय दिखाई देती है, द्विस्तरीय दिखाई देती है, इसीलिए इसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। मतलब है तो एक ही स्तर का, लेकिन छोटी छोटी कोशिकाओं को उपस्थित होने के कारण या कैसे दो लेयर में दिखाई देती है। ऐसी कोशिकाएँ, ऐसी कोशिकाओं में क्या होती है, सीलिएटेड होती हैं। ऐसी कोशिकाएं क्या होती हैं, सीलिएटेड, इसमें सीलिया पाई जाती है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होती है, सीलिया पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती हैं ये सभी कहाँ पाई जाती हैं, ये सभी जो है नेजल पैसेज, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में पाई सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती हैं, जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, तो नेजल कैविटी में पाई जाती हैं, फेरिंग्स में पाई जाती है, मोस्ट फेरिंग्स पाई जाती है, ट्रेकी ब्रोंकी में पाई जाती हैं, मेल यूरेथ्रा में पाई जाती हैं, मेल यूरेथ्रा में ये पाई जाती हैं, एपिडिडाइमिस में पाई जाती है, एपिडिडाइमिस में पाई जाती है, वासा डिफरेंस में पाई जाती है, मतलब नर जनन वाहिनियों, मूत्र मार्ग में पाई जाती है, ग्रंथियों की वाहिनियों, जो ग्रंथ होती है उनकी वाहिनियों में, ग्रसनी आदि में पाई जाती हैं, ये ग्रसनी आदि में पाई जाती हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये क्या होती हैं, स्यूडो मीन्स फाल्स, स्ट्रेटिफाइड मीन्स अस्तरित, मतलब एक स्तर की परत की होती है, लेकिन इसमें जो है अनेक छोटी छोटी सेल उपस्थित होती है, और इसमें क्या कशाबिकाएं या सीलिएटेड होती हैं, इसमें सीलिएटेड सीलिया पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहलाती हैं। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया नेजल पैसेज कैविटी में, नेजल चैम्बर में, कैविटी में, मोस्ट ऑफ फेरिंग्स में, फेरिंग्स में, ट्रैकी ब्रोंकी में, ट्रैकी और ब्रोंकी में पाई जाती है, मेल यूरेथ्रा में पाई जाती है, एपिडिडाइमिस में, वासा डिफरेंस में पाई जाती हैं, तो ग्रसनी आदि में, ग्रसनी बड़ी ग्रंथियों की बड़ी वाहिनियों में आदि में यह पाई जाती है। अगले विशिष्ट ऊतक की बात हम लोग करते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की चर्चा हम लोग करते हैं, क्योंकि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की चर्चा हो गई, अब हम लोग विशिष्ट उपकला ऊतक में दूसरी की बात करते हैं,
अंतर्वर्ती उपकला ट्रांजिशनल इपिथीलियम। ट्रांजिशनल इपिथीलियम क्या है, ये भी जो होती हैं अस्तरित उपकला होती हैं, स्ट्रेटिफाइड उपकला के समान होती हैं। ये स्ट्रेटिफाइड अस्तरित उपकला के समान होती हैं या एक महीन आधार कला तथा मोटे और लचीले संयोजी ऊतक पर सधी होती है। एक महीन आधार कला और मोटे तथा लचीले संयोजी ऊतक पर पाई जाती हैं। इनकी सभी कोशिकाएँ जीवित लचीली और पतली होती हैं। ट्रांजिशनल इपिथीलियम की सभी कोशिकाएँ लचीली जीवित और पतली होती हैं। इनकी उपकला जो होती है कहाँ पाई जाती है, इनकी उपकला मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर और उत्सर्जी नलिकाओं में पाई जाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होती हैं उनमें और उत्सर्जी नलिकाओं में पाई जाती हैं, मतलब यूरेटर्स, जैसे यूरेटर उत्सर्जी नलिकाएं क्या होती है, यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर उपकला मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में। ट्रांजिशनल इपिथीलियम प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, या यूरिनरी ब्लैडर में और किसमें, उत्सर्जी नलिकाओं में। उत्सर्जी नलिकाएं क्या है, यूरेटर में पाई जाए या मूत्राशय में, मूत्राशय जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है उनमें पाई जाती है ट्रांजिशनल इपिथीलियम पाई जाती है। यह भी अस्तरित होती के अस्तरित उपकला के ही समान होती हैं, मोटे लचीले उतक पर पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, लचीली होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, अगले विशिष्ट उतक की बात हम लोग करते हैं। पहला विशिष्ट उतक कूट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम था, दूसरा ट्रांजिशनल इपिथीलियम था, और तीसरे की बात हम लोग करते हैं संवेदी उपकला सेंसरी इपिथीलियम कौन है जो विशिष्ट उतक इपिथीलियम के रूप में हम लोग जानते हैं। घ्राण अंगों नेजल ऑर्गन की श्लेष्मिका, अगर हम घ्राण से नेजल ऑर्गन की श्लेष्मिका कला अर्थात स्निडेरियन मेम्ब्रेन अंत संवेदी उपकला सेंसरी इपिथीलियम क्या है, घ्राण अंगों में नेजल ऑर्गन में श्लेष्मिका कला, देखिए घ्राण अंगों नेजल ऑर्गन की श्लेष्मिका कला में अर्थात स्लीडेरियन कला स्लीडेरियन मेम्ब्रेन अंतःकरणों की उपकला स्वाद कलिकाओं, अंतःकरणों की उपकला में स्वाद कलिकाओं, जहाँ पर जीभ में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है वहाँ अंतःकरणों की उपकला में, आँख की रेटिना में और संवेदी उपकला पाई जाती है। ये संवेदी सेंसरी इपिथीलियम पाए जाते हैं जहाँ सेंस ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, नेजल ऑर्गन में पाए जाते हैं। और श्लेष्मिक कला अर्थात स्लीडेरियन कला घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला, मतलब घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला अर्थात स्लीडेरियन कला जो होती है घ्राण अंग में पाई जाती है, जो श्लेष्मिक कला होती है इनमें भी संवेदिक उपकला पाई सेंसरी इपिथीलियम पाई जाती है। स्वाद कलिकाएँ अंत उपकला की, मतलब कान के अंत उपकला पे पाई जाती है स्वाद कलिकाओं, जो जीभ पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वहाँ भी संवेदी उपकला पाई जाती है, आँखों की रेटिना में भी पाई जाती है। संवेदी उपकलाएं जो है इपिथीलियम की बनी होती है, जो कहाँ पाई जाए विशिष्ट उपकला होती हैं, कैसे विशिष्ट प्रकार की पाई जाती हैं, सेंसरी होती हैं, ट्रांजिशनल होती हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम की चर्चा हम लोगों ने किया। अब आते हैं हम लोग रंगा उपकला पिगमेंट इपिथीलियम भी जो विशिष्ट प्रकार की उपकला होती है, आँखों की दृष्टि पटल में आधार स्तर पर, आँखों की दृष्टि पटल मतलब पिगमेंट इपिथीलियम भी एक विशिष्ट उपकला है, आँखों की दृष्टि पटल में आधार स्तर पर ऐसी उपकला होती है, आधार सतह पर एक उपकला होती है रंगा उपकला पिगमेंट इपिथीलियम होती है, जिसकी कोशिकाओं में रंगाकड़ होते हैं, इनकी कोशिकाओं क्या क्या होते हैं, रंगाकड़ होते हैं। अब पांचवें की बात है विशिष्ट उतक की बात करते हैं, इपिथीलियम तक की बात करते हैं, पांचवें विशिष्ट उपकला उतक की बात करते हैं ग्रंथिल उपकला ग्रैंडुलर इपिथीलियम, वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे प्यारे दोस्तों। ग्रैंडुलर इपिथीलियम यह कैसे होती हैं, कोलोमरर होती हैं, कोलोमरर स्तंभी होती हैं, उपकला का एक रूपांतरण है, कोलोमरर उपकला का क्या है, एक रूपांतरण है, मतलब पिलर के जैसी संरचना, स्तंभी मतलब पिलर के जैसी संरचना की होती हैं, मतलब कोलोमरर इपिथीलियम स्तंभी उपकला के एक रूपांतरित रूप है। इनकी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है, इनकी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के पदार्थ साबित होते हैं, इनकी कोशिकाओं से क्या होते हैं विशेष प्रकार के पदार्थ साबित होते हैं, मतलब ग्रंथि है तो वहाँ से कोई ना कोई पदार्थ साबित होगा, तो इनकी कोशिकाओं से जो है विशेष प्रकार का पदार्थ साबित होता है। विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं बहिःस्रावी ग्रंथियाँ चूषक कोशिकाएँ गोबलेट सेल्स चषक कोशिकाएँ और ग्रंथिल उपकला का उदाहरण है। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आप समझ लीजिए बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं और गोबलेट सेल्स जो होती हैं ये सभी उपकला की बनी होती हैं, सभी किससे बनी होती है, उपकला से बनी होती हैं, जिसे हम ग्रंथित उपकला कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं इपिथीलियम की बनी होती हैं, सभी क्या इपिथीलियम से बनी होती है, जिसे हम ग्लैंडुलर इपिथीलियम कहते हैं, ग्लैंडुलर इपिथीलियम की क्या होती है बनी होती हैं। देखिए विशिष्ट ऊतक में एक ग्रंथियाँ जो भी हैं एक विशिष्ट ऊतक में आती हैं, ग्रंथियाँ जो है
जो ग्रंथियां बनी होती हैं वे भी क्या होती हैं, ग्रैंडुलर एपिथेलियम की बनी होती हैं। ग्रैंडुलर एपिथेलियम की बनी होती है। ग्रंथ की भी थोड़ी चर्चा कर लें हम लोग, ग्रंथियों की चर्चा कर लें थोड़ा सा, क्योंकि इसी से संबंधित है। शरीर की सभी ग्रंथियां एपिथेलियम उत्तक से बनती हैं, आप जानते हैं। अभी हम लोगों ने विशेष एपिथेलियम कह सकते हैं कि एपिथेलियम से बनती हैं। ये दो प्रकार की, एक कोश की ग्रंथ और बहु कोश की ग्रंथियाँ होती हैं। एक कोश की ग्रंथ यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं और मल्टी सेलुलर ग्रंथ्स होती हैं। मतलब कुछ एक कोशिका की भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और कुछ बहुत कोशिकाओं से बनी हुई ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जब एक कोशिका श्रावण का कार्य करती है तो उसे एक कोश की ग्रंथि कहते हैं। जब एक कोशिका श्रावण का कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं, एक कोश की ग्रंथ कहते हैं। इन ग्रंथियों में प्रायः श्लेष्मा बनता रहता है, इसमें म्यूकस बनता रहता है जो स्रावित होकर संबंधित सतह को गीला रखता है। मतलब एक सेल से जब जो ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, जिससे एक सेल से सिक्रीशन होता है, तो उसे एक कोश की ग्रंथ कहते हैं जो स्रावित होकर संबंधित सतह को गीला रखता है। उदाहरण श्वसन सतह, श्वसन सतह जैसे वहाँ पर एक सेल लेयर पाई जाती है जो आहार नल में उपस्थित, श्वसन सतह आप देख लीजिए और आहार नल में उपस्थित चूसक कोशिकाएं, आहार नल में जो उपस्थित चूसक कोशिकाएं हैं एक कोश की ग्रंथि हैं। श्वसन सतह भी एक कोश की ग्रंथि से बनी होती है। आहार नल और श्वसन सतह जो है यूनिसेलुलर ग्लैंड से बनी होती है। अब हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड, वो कोश की ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है और इनसे कौन कौन ग्रंथियाँ बनती हैं। अनेकों कोशिकाएं श्रावण करने के लिए समूह बना लेती हैं। जब अनेक कोशिकाएं किसी ग्रंथ में समूह के रूप में कार्य करती हैं तो इसे क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहते हैं, बहु कोशिकी ग्रंथि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो होती है ये दो प्रकार की, एक कोशिकी में आपने देखा कि श्वसन सतह पाई जाती है और आहार नाल पर एक कोशिका की लेयर में पाई जाती है जो पदार्थों का क्या करती है, श्रावण करती हैं। अब आते हैं हम लोग बहु कोशिकी में, तो देखते हैं कि यहाँ दो प्रकार की बहु कोशिकी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, दूसरा बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड की बात हम लोग करें तो इन ग्रंथियों का सतह से संबंध समाप्त हो जाता है। मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड का जो है इन ग्रंथियों का सतह से संबंध समाप्त हो जाता है। इसके श्रावण हार्मोन सीधे रुधिर में पहुँचते हैं, सीधे कहाँ पहुँचते हैं, रुधिर में पहुँचा दिए जाते हैं। तो इनके ग्रंथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों के सीधे जो श्रावण होता है सीधे कहाँ पहुँचा दिया, रुधिर में पहुँचा मिला दिया जाता है, ग्रंथि से सीधे रुधिर में। पीयूष और थायराइड जैसे ग्रंथ, पीयूष और थायराइड और भी ग्रंथियाँ हैं जो अंतःस्रावी में आती हैं, ठीक है। और बहिःस्रावी में कौन आता है, इनके श्रावण नलिकाएँ द्वारा सतह पर स्रावित, उदाहरण आमाशय ग्रंथियाँ। जैसे बहिःस्रावी ग्रंथियाँ में कौन होती हैं, इसको इनका श्रावण नलिकाओं द्वारा होता है, मतलब ग्रंथ से नलिका के द्वारा स्रावित होती हैं। जैसे आमाशय ग्रंथियाँ, आमाशय में जो ग्रंथि पाई जाती है ग्लैंड पाई जाती है, और आंतरिक ग्रंथियाँ आंत में जो ग्रंथि पाई जाती है लार ग्रंथियाँ, आमाशय आंत में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है बहिःस्रावी ग्रंथियों का चार पहलुओं में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आमाशय ग्रंथियाँ आंत की ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ जो होती हैं यह बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। कैसी होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियों को हम अनेकों भागों में बांट सकते हैं, इनका वर्गीकरण किया जाए चार पहलुओं में किया जा सकता है, चार भागों में इसे बांटा जा सकता है। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कितने प्रकार के भागों में बांटा जाता है, चार पार्ट में बांटा जा सकता है। श्रावण की विधि, जैसे जो श्रावण की विधि श्रावण करती हैं, सिक्रीशन करती है, जैसे एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन। श्रावण की विधि क्या, श्रावण की विधि मतलब जो श्रावण करने का, एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन होती हैं, सिक्रीशन करती हैं। जैसे एपोक्राइन का मतलब होता है स्तन ग्रंथियों से अस्तन ग्रंथियाँ तो एपोक्राइन होती हैं, और तेल और आंत ग्रंथियाँ जो तो होलोक्राइन होती हैं। तेल और आंत की ग्रंथियाँ होलोक्राइन होती हैं, श्वेत ग्रंथियाँ मीरोक्राइन होती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ और लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, मीरोक्राइन या एक्राइन होती हैं, ठीक है, मीरोक्राइन या एक्राइन होती हैं। एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन श्रावण की विधि के आधार पर जो होता है। एपोक्राइन में कौन आता है, अस्तन ग्रंथियाँ आती हैं, अस्तन ग्रंथियाँ एपोक्राइन में आती हैं। आंत और तेल ग्रंथियाँ जो होती हैं, आंत की और तेल ग्रंथियाँ जो होती हैं होलोक्राइन में आती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ और लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, श्वेत व लार ग्रंथियाँ जो होती हैं ये मीरोक्राइन में आती हैं। होलोक्राइन का मतलब होता क्या, होलोक्राइन ग्लैंड क्या काम करती हैं, होलोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, होलोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, एक इंटायर सेल व्हेन फिल्ड विद सिक्रेटरी प्रोडक्ट, ये क्या करती हैं, सिक्रेटरी प्रोडक्ट को अपने अंदर भर लेती हैं और डिसइंटीग्रेटेड एंड डिस्चार्ज द ए पार्ट ऑफ सिक्रीशन, और ये पार्ट ऑफ सिक्रीशन ये बाहर निकाल देते हैं। जैसे सीबेसियट ग्लैंड, जो सीबेसियट ग्लैंड होती हैं जैसे तेल ग्रंथियाँ जो होती हैं या आंत व तेल की ग्रंथियाँ जो होती हैं होलोक्राइन कहलाती हैं। ये क्या कहती हैं,
ये प्रोडक्ट को सिक्रेटरी प्रोडक्ट को ले लेती हैं और बाहर निकाल देती है सीबेसी और पसीने की ग्लैंड, तो ये होलोक्राइन ग्लैंड होती है। एपोक्राइन ग्लैंड में कौन आता है? मेमरी ग्लैंड आता है। एपोक्राइन ग्लैंड में कौन आता है? एपोक्राइन ग्लैंड में आता है अस्थनियों की अस्तन ग्रंथियाँ एपोक्राइन में आती हैं। एपोक्राइन में जो अस्थनियों की अस्तन ग्रंथियाँ आती हैं ये क्या होता है? एपिकल पार्ट ऑफ ग्लैंड, एपिकल पार्ट को ग्लैंड पाई जाती हैं। आल्सो डिस्चार्ज एलॉन्ग विथ सिक्रीशन, ये डिस्चार्ज करती हैं सिक्रीशन एलॉन्ग विथ सिक्रीशन, मतलब पदार्थ को डिस्चार्ज के काम करती है, तो ऐसी ग्रंथि को एपोक्राइन कहते हैं। मीरोक्राइन ग्लैंड क्या है? द सिक्रीशन इज डिस्चार्ज बाई द सेल थ्रू सिंपल डिफ्यूज, मतलब एक सिंपल डिफ्यूज के माध्यम से, सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से सिक्रीशन करते हैं विथ इन नो लॉस ऑफ सेल, मतलब यहाँ पे सेल का लॉस नहीं होता है। और सेल पार्ट, यहाँ पे सेल का लॉस या सेल का पार्ट का लॉस नहीं होता है, सेल का किसी पार्ट का लॉस नहीं होता है, जैसे पैनक्रियाज पैनक्रियाज में पाया जाता है इस प्रकार की सेलें। मीरोक्राइन ग्लैंड जो होती है कहाँ पाई जाती है? पैनक्रियाज में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, स्वीट ग्लैंड में पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड में पाई जाती है, सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड जो जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है उनमें पाई जाती है, इंटेस्टाइन ग्लैंड में पाई जाती है। मीरोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे किसी प्रकार का लॉस नहीं होता, सेल लॉस नहीं होता है कि सेल के साथ वो बाहर निकल जाए, यहाँ पे सेल लॉस नहीं होता, कोई सेल एंड डैमेज नहीं होती है, और सेल खुद ही सिक्रीशन करता है, डिफ्यूज डिफ्यूजन के माध्यम से क्या करता है? सिक्रीट करता है, जैसे पेनक्रियाज से रस निकलना, सेल के द्वारा रस पेनक्रियाज के द्वारा निकलना, लीवर के द्वारा, स्वीट ग्लैंड के द्वारा, पसीने, यहाँ पे सेल डैमेज नहीं होते, यहाँ सेल के द्वारा सिक्रीट मटेरियल बाहर निकाल दे, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा बाहर निकाल। और में जो एपोक्राइन होलोक्राइन में क्या था, वहाँ पे सेल भी डैमेज हो जाते थे, वहाँ भी सेल डैमेज हो जाते थे, सेल बाहर निकालने में क्या मेमोरी ग्लैंड जैसे वहाँ सेल निकलते हैं, वहाँ क्या होता है माँ का जो मेमोरी ग्लैंड से ब्लड जो मिल्क निकलता है वहाँ पे सेल की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। होलोक्राइन में भी सेल हो सकता है, सीबीएसई ग्लैंड जो होलोक्राइन में भी एक कंडीशन हो सकती है। होलोक्राइन में आपने तो क्या देखा, होलोक्राइन में जो होती श्वेत ग्रंथियाँ, होलोक्राइन में आंत और तेल की ग्रंथियाँ, आंत या तेल की ग्रंथियाँ जो होती है, तेल की ग्रंथियाँ में यहाँ पे जो होता है सिक्रीशन, तेल की बूंदें जब बाहर निकलें तो उनमें क्या होता है, होलोक्राइन में होती है, ठीक है, सीबीएसएस ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड में जो होता है यहाँ पे सेल का लॉस नहीं होता है, यहाँ लिक्विड पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाले जाते हैं पदार्थ को, स्वीट ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, पैनक्रियाजिक लीवर होती है, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन इसमें पाई जाती है। और भी कंडीशन हम देखें, वहश्रावी ग्रंथियाँ, एक ऐसी ग्रंथियाँ वहश्रावी हैं, वहश्रावी में एक विधि है, श्रावण की एक विधि है, जो सिक्रीशन की एक विधि है, ये होलोक्राइन कहलाती है, एपोक्राइन मीरोक्राइन ये श्रावण की विधि होती है। श्रावी पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? अगर अंतःश्रावी ग्रंथियों में श्रावी पदार्थ की प्रकृति देखी जाए, सीरमी होती है, श्लेष्म होती है, मिश्रित होती है, सीरम के रूप में, श्लेष्म के रूप में, मिश्रण के रूप में भी बाहर निकाल श्रावी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। और श्रावी पदार्थों की आकृति के आधार पर अगर बांटें हम इनको वहश्रावी ग्रंथियों को, तो कूपकी होती हैं, श्रावी पदार्थों की आकृति के आधार पर कूपकी होती हैं, अगर श्रावी पदार्थों की आकृति देखा जाए तो कूपकी होती हैं, कोष्ठकी होती है, नालवत होती हैं, श्रावी पदार्थ ग्रंथियाँ जो होती हैं अगर उनकी आकृति देखें तो इस प्रकार की दिखाई जाती है। रचनात्मक जटिलता सामान संयुक्त हो सकती हैं, सामान हो सकते हैं और संयुक्त हो सकती हैं। जिसे रचनात्मक जटिलता के रूप में हम देखें तो सामान एवं संयुक्त, संयुक्त ग्रंथियां आप जाते नाम से ही समझ में, संयुक्त ग्रंथियों में श्रावी कोशिकाएं समूह में व्यवस्थित होती हैं, कैसे समूह में व्यवस्थित होती हैं, इनका सिक्रीशन शाखान्वित नलिकाओं के द्वारा होता है, जैसे यकृत में जो संयुक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं, अग्नाशय में भी संयुक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां भी संयुक्त ग्रंथियां होती हैं, कूपकी कोष्ठकी और नालवत ग्रंथियां जो पाई जाती हैं, नालवत ग्रंथियां क्या होती हैं, आकृत श्रावी ग्रंथियों की, नालवत कैसी, कूपकी ग्रंथियों में फ्लास के आकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये फ्लास के आकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे ग्रंथियाँ होती हैं फ्लास के आकार की होती हैं, सामान्य कूपकी स्थान तेल की ग्रंथियाँ होती हैं। संयुक्त कूपकी में कौन आता है, अधिकांश तेलर ग्रंथियाँ से भी लार ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ जो कूपकी होती हैं, कूपकी मतलब सिंपल एल्वियोलर और कंपाउंड एल्वियोलर, कूपकी मतलब संरचनाएँ तेल ग्रंथियाँ और अस्तन ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ जो होती हैं कूपकी के जैसे होती हैं, एल्वियोलर के समान होती हैं। सीरमी, अगर आप श्रावी इकाइयों की आकृति कैसी होती है, सीरमी होती है, कुछ श्लेष्मक होती है, कुछ मिश्रित होती है, तो श्लेष्मी कौन होती हैं, श्लेष्मी जो होती हैं जैसे श्वेत ग्रंथियां, सीरमी जो होती हैं जैसे श्वेत ग्रंथियां सीरमी होती हैं, आंत ग्रंथियां सीरमी होती हैं, और चूषक कोशिकाएँ और कार्डियक ग्रंथियां श्लेष्मक होती हैं, कार्डियक
कार्डियक जो हार्ट में ग्रंथियां पाई जाती हैं श्लेष्मक होती हैं, चूषक कोशिकाएं ये सब श्लेष्मिक होती हैं, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय क्या है एक मिश्रित ग्रंथि है। तो शीर्मी कौन है, शीर्मी जो होता है शीरम के रूप में, श्वेत ग्रंथियां आंत ग्रंथियां शीरम के रूप में सिक्रेशन करती हैं, चूषक कोशिकाएं और कार्डियक ग्रंथियां श्लेष्म श्लेष्म का सिक्रेशन करते हैं, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय क्या है पैनक्रियास क्या है एक मिश्रित ग्रंथि कंपाउंड ग्लैंड है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हम लोगों ने ग्रंथियों की चर्चा की, सामान्य ग्रंथियों की बातें कर लिए कि ग्रंथियाँ एक कोशिकीय ग्रंथियाँ भी होती हैं, बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ होती हैं, बहुकोशिकीय ग्रंथियों में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो आती हैं पीट थायराइड जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड वो आती हैं, बहिःस्रावी में हम लोगों ने देखा बहिःस्रावी ग्रंथियों में इनकी श्रावण की भीत एपोक्राइन मीरोक्राइन होलोक्राइन पदार्थ की प्रकृति कैसे होती है, शीर्मी होती है श्लेष्मक होती है मिश्रित ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर इनको वहिःस्रावी ग्रंथियों को अनेक भागों में बांटा, उनको हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से तो इपिथीलियम की चर्चा प्यारे दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देंगे। प्यारे दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।